हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 7 पार्ट 3। जो मैंने अगले बोला था कि एक स्टोरी है अकबर और बीरबल के बीच में, तो स्टोरी में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी में एक दिन दरबार के अंदर एक राजा और सभी कर्मचारी बैठे थे। फिर अकबर जो राजा था, अकबर उसने दरबार के अंदर एक फ्लोर, जमीन के नीचे हिस्से को बोला जाता है फ्लोर, वहाँ पर उसने एक लाइन खींची और बोला सभी दरबार के अंदर कर्मचारी को, सबको बोला इस लाइन को, उसने दो लाइन रोकी, उसने बोला कि इस लाइन को बिना मिटाए एक लाइन टूंकी रखनी और एक लाइन बढ़ी बिना मिटाए। तो बहुत कर्मचारी सोचने लगे कि कैसा होगा, बिना इरेज करे, बिना मिटाए कैसे होगा। तो बीरबल ने उसने वो लाइन, जो दो लाइन थी, ऐसी दो लाइन सही बनाई थी अकबर ने। तो बीरबल ने एक लाइन की जो नीचे की हिस्से उसे थोड़ी लंबी की, तो क्या हुआ, बिना मिटाए बिना कुछ किए एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी हो गई। तो इस स्टोरी में यही है। और बाकी के जो दरबार में बाकी के जो कर्मचारी देखते ही रह गए कि ये बीरबल क्या कर रहा है। बीरबल ने जो किया वो सही किया था। तो इस स्टोरी में ये बात है। तो आप ओपन कर दें पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, 111, मेक इन शॉर्टर। शॉर्टर मीन्स छोटा, कम, उसको हम ज्यादा बोलेंगे टूंको। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। मैंने आपको स्टोरी भी समझा दी, तो स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर। एक दिन अकबर ने फ्लोर मीन्स, मैंने आपको पता है कि जमीन के जो नीचे के हिस्से को बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फ्लोर। तो एक दिन अकबर ने फ्लोर के नीचे लाइन ड्रॉ की उसने, और सब कर्मचारियों को उसने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डू नॉट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। उसने ऑर्डर दिया सबको कि इस रेखा को, इस लाइन को बिना किसी हिस्से को मिटाए छोटा करो, बिना किसी हिस्से को मिटाए छोटा करो। यहाँ पर मैं स्टोरी के साथ आपको समझा देता हूँ। तो अकबर ने क्या, फ्लोर के नीचे ये फ्लोर आप सब दो लाइन हो गई, इसमें कितनी दो लाइन हो गई, बिना इरेज करे बिना मिटाए आपको बिना किसी हिस्से को मिटाए आपको एक लाइन छोटी करनी है, दोनों में से एक लाइन छोटी करनी है बिना मिटाए। तो शॉर्टर मीन्स छोटा, तो हम उसको गुजराती में बोलेंगे टूंको या टूंका। तो हम शॉर्टर का मीनिंग लिखेंगे उनका। फिर रब मीन्स मिटाना, इरेज करते हैं हम उसको, रब मीन्स मिटाना। हम इसको गुजराती में क्या बोलेंगे, साफ करो। साफ करो, तो क्या हुआ, पहले पैराग्राफ में क्या था,
कि एक दिन अकबर राजा, राजा का नाम था अकबर, तो अकबर ने फ्लोर के, तो जमीन के नीचे किसे को हम फ्लोर बोलते हैं, उस फ्लोर में उसने दो लाइन ड्रॉ की और सब कर्मचारी को जितने भी वहाँ पर थे उन सबको उसने ऑर्डर दिया और सबको कहा कि बिना ये लाइन, बिना किसी हिस्से को मिटाए एक लाइन आपको टूंकी करनी है, मिस छोटी करनी है, तो कौन करेगा? तो सारे के सारे, उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे जो कर्मचारी वहाँ पर जो दरबार में रहते हैं काम करने वाले, उस मंत्री जो मास्टर बोलते हैं मिनिस्टर बोलते हैं, वो सब सोचने लगे तो क्या होगा। तो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम पेज नंबर 102, टर्न योर पेज 102। उसके बाद क्या होता है, तो नो वन नो व्हाट टू डू, ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल। तो उसके बाद क्या हुआ, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, गुजराती में उसको हम बोलेंगे मंत्री, तो हम उसका मीनिंग लिखेंगे मिनिस्टर, मंत्री। और पजल मीन्स उलझन, जो हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि 12 घंटे है, उसमें 3 चम्मच है, स्पून है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो वॉच, घड़ियाल बोलते हैं। तो यहाँ पर वही उसको बोलते हैं पजल। तो पजल का मीनिंग होता है, हम गुजराती में उसको क्या बोलेंगे, कोयडो। तो नो वन नो व्हाट टू डू, ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल। किसी को भी नहीं पता था क्या क्या करने का था, किसी को भी नहीं पता था तो क्या करने का था, इस दो लाइन उसने ड्रो की थी, नहीं पता था कि हम उसका क्या करने का था। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल, हर एक मंत्री के लाइन को, सारे के सारे जो उसके कर्मचारी मंत्री थे वो सारे के सारे वो लाइन को देखकर देखते रह गए और उलझन में सारे के सारे देखकर सब के सब मंत्री, जितने भी मंत्री थे सब उलझन में पड़ गए कि उसका क्या करने का था। दो लाइन जो राजा ने बनाई थी फ्लोर के नीचे, एक लाइन बिना मिटाए एक लाइन को छुट्टी करनी, तो उसका क्या करें। तो सारे के सारे जो मंत्री थे, सारे के सारे मिनिस्टर थे, वो सोचने लगे, देखकर सोचने और देखकर वो उलझन में पड़ गए। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर। कोई भी, मतलब यहाँ पर जितने थे उनमें से कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि लाइन को कैसे लंबा बनाया जाए, जो रेखा दूरी थी उसको कैसे लंबा बनाया जा सकता है। सारे के सारे जो जितनी मंत्री थी वो वहाँ पर सोचने लगे। नो वन वुड थिंक ऑफ हाउ इट वुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। कोई भी ये नहीं सोच पा रहा था कि लाइन को बिना मिटाए लाइन को कैसे छोटा करें, बिना मिटाए बिना इरेज करें लाइन को कैसे हम छोटा करें। इरेज मीन्स मिटाना, उसको हम क्या बोलेंगे गुजराती में, भूसू, तो इरेज। Yeah.
बिना मिटाए इस लाइन को हम छोटा कैसे करें। तो उसके बाद क्या हुआ, बीरबल आया। उसके बाद कौन आया, बीरबल आया। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग व्हेन इट वॉज हिज टर्न ही वेंट नियर द लाइन। उसके बाद क्या हुआ, बीरबल आया। और जब बीरबल की बारी आई तो वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। When it was his turn, he went near the line. वो इससे लगे और हंसते हुए लाइन के पास चला गया। वो उसकी बारी आई जब, तो वो हंसते हुए वो लाइन के पास चला गया। तो सारे के जितने भी कर्मचारी थे वहाँ पर, वो सारे के सारे क्या सोचने लगे। तो उसके बाद क्या होता है, डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड डू। तो आप सब भी सोचो, डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ, तो बीरबल अब क्या करेगा, तो बीरबल अब क्या करेगा वो सोचना है। तो आप सोच सकते कि बीरबल क्या करेगा, बिना मिटाए लाइन छोटी कैसे करेगा। तो दरबार में हाहाकार मच गया। नाउ रीड अ फर्दर, अब आगे पढ़ो। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। तो बीरबल ने जो पहली लाइन के नीचे बीरबल ने एक लंबी लाइन बना दी, जो उसकी पहली लाइन थी उसमें बीरबल ने एक लंबी लाइन बना दी। उसने क्या किया, एक लंबी लाइन बना दी। ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन, और उन्होंने पहली लाइन को छुआ भी नहीं। उसकी जो दूसरी लाइन थी, बिना मिटाए बिना कुछ किए उसने पहली लाइन को लंबी कर दी, छुआ भी नहीं। एवरीवन इन इट कॉट इन द कोर्ट शो व्हाट ही ड्रू एंड सेड दिस इज ट्रू। क्या हुआ, जो सभी लोग थे, सारे के सारे जो कर्मचारी थे, उसके द्वारा खींची गई जो लाइन थी वो सब देखते ही रह गए। और सबने कहा, क्या कहा, कि दैट इज ट्रू, यह सत्य है, ये सच है, ये क्या है, सच है। वो सारे के सारे देखते ही रह गए कि बीरबल ने क्या किया, इस लाइन को बिना मिटाए उसने एक लाइन छोटी कैसे की। सारे के सारे उसने जैसे लाइन खींची तो सारे के सारे दिमाग में एक सोच आई, तो ये बीरबल ने क्या किया। तो सारे के सारे देखते और वो सारे के सारे कहने लगे कि ये सत्य। कोर्ट मीन्स हम बोलते हैं उसको, कोर्ट भी बोलते हैं और अदालत भी बोलते हैं। तो हम इसका मीनिंग लिखेंगे, तो वहां पर क्या हुआ, जो सारे के सारे जो कर्मचारी थे, सारे के सारे जो मंत्री थे, जैसे बीरबल ने लाइन खींची तो सारे के सारे देखते रह गए और सब साथ मिलके कहने लगे कि ये उसने सही किया, सत्य किया, उसने जो लाइन की थी वो सही की। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ, उसके बाद क्या हुआ, अब जो पहली लाइन थी वो क्या हो गई, छोटी हो गई। तो आप देख सकते हो, आपने मैंने ये ड्रॉ करके भी मैंने दिखाया, देखो पहले की छोटी लाइन थी, पहले दो सेम लाइन की जगह, तो पहली लाइन उसने, उसके बाद जो लाइन लंबी थी तो पहली लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई, बिना इरेज करे बिना मिटाए पहली लाइन वो क्या हो गई, छोटी हो गई। तो फिर से आपको मैं समझाऊंगा स्टोरी के साथ कि स्टोरी में क्या है। तो आपको बच्चों
पता है कि दरबार में क्या हुआ। तो फिर से मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ डायरी की। तो एक दिन दरबार के अंदर एक मतलब सारे के सारे कर्मचारी राजा वहाँ पर इकट्ठा हुए। तो एक राजा मिस राजा का नाम था अकबर। तो अकबर ने फ्लोर के जमीन के नीचे के हिस्से को बोलते हैं हम फ्लोर, वहाँ पर उसने दो लाइन ड्रॉ की बिना मिटाए बिना इरेज किए। आपको एक लाइन छोटी करनी है, वैसे सारे के सारे कर्मचारी को बोला। तो सारे के सारे कर्मचारी क्या हो जो दो लाइन को देखते रह गए और सोचने लगे तो क्या होगा हमारा, मतलब वो क्या करेंगे। तो वो उलझन में पड़ गए सारे के सारे, जितने भी वहाँ पर कर्मचारी थे सारे के सारे उलझन में पड़ गए, एक दूसरे के फेस पर देखने लगे कि क्या करने का है, बिना इरेज किए तो हम कैसे करेंगे। तो वहाँ पर एक के बाद एक कर्मचारी की बारी आई, सारे के सारे कर्मचारी ये जो काम था वो नहीं कर पाए। और जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल हंसते हुए लाइन के पास चला गया, हंसते हुए वो लाइन के पास चला गया और सारे के सारे कर्मचारी मिस एक दूसरे को मतलब पार्टनर एक दूसरे को ये बीरबल अब क्या करेगा वो सब सोचने लगी। तो बीरबल ने जो पहली लाइन थी उसके नीचे उसने दूसरी लाइन थोड़ी लंबी की और सारे के सारे जितने भी कर्मचारी थे वो सब के सब देखते ही रह गए और सब के सब बोले कि ये जो उसने लाइन की वो बहुत सत्य थी, बहुत सही थी। तो वहाँ पर राजा को उसने बताया तो एक लाइन क्या हो गई थी, शॉर्टर में छोटी हो गई। तो ये स्टोरी में ये है। उसके बाद जो न्यू वर्ड्स है वो आज हम करेंगे। ऑर्डर मैंने आपको लिखा नहीं, ऑर्डर ऑर्डर में हुक्म करना, ऑर्डर देना। तो हम क्या लिखेंगे, हम हुक्म। फिर रब, रब मीन्स इरेज करना, मिटाना, साफ करो, हम गुजराती में उसको बोलते साफ करो। पजल मीन्स उलझन में, सारे के सारे जो कर्मचारी थे वो सारे के सारे उलझन में पड़ गए। तो पजल मीन्स कोयडो, उसको गुजराती में हम कोयडो बोलेंगे। फिर इरेज मीन्स मिटाना, बिना छुए बिना लाइन को टच किए मिटाना। हम कोई कुछ भी सेंटेंस लिखते हो उसमें कुछ गलत लिखते तो वो क्या करेंगे, इरेजर की मदद से वो हम इरेज करते, वो हम मिटाते और उसको हम गुजराती में बोलेंगे बुसवू। कोर्ट मीन्स अदालत, उसको कोर्ट भी बोला जा सकता है, गुजराती में उसको भी अदालत बोला जा सकता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ये मैक इन शॉर्टर की जो एक्सरसाइज थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।